रिया तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का ये अपार्टमेंट है जहाँ पर सुशांत सिंह रहते थे। माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट है बांद्रा का, मुंबई का, जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर हलचल मच चुकी है। ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं इसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर है और ये पार्थिव शरीर अब हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी हलचल मची हुई है। ये एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये ले जाया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को। सुशांत सिंह राजपूत आज रविवार के दिन आत्महत्या कर ली। तो आप देख सकते हैं ये पार्थिव शरीर है, सुशांत सिंह राजपूत को ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल में ताकि उनका पोस्टमार्टम किया जा सके। ये आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत जो एस्पायरिंग एक्टर थे इस फिल्म इंडस्ट्री के, आज की जनरेशन के, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। ये काफ़ी दुखद खबर है। ये जो खबर है ये काफ़ी लोगों के मोरल को डाउन करने वाली है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा प्रीमाइसेस का। यहाँ पर मीडियाकर्मी मौजूद है, हर कोई मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, उनके फैंस यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी मायूस हैं इस खबर को सुनकर। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक का लहर है। सो गाइस ये जो घटना घटी है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, आज के दौर के एस्पायरिंग एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन जो कदम उन्होंने अपनाया, जैसा पुलिस कह रही है उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो मैं पर्सनली काफ़ी निंदा करता हूँ इस कदम की जो उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन किस सिचुएशन में आकर उनकी मेंटालिटी क्या है ये अपने आप में एक अलग विषय है, एक अलग सवाल है जिसके बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है आने वाले वक्त में। तो अब देखेंगे, वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान पता चलेगा क्या है और इसके अलावा जब और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो किस मेंटालिटी के साथ, किस फीलिंग के साथ, किस सिचुएशन के साथ वो गुजर रहे थे, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये इन्वेस्टिगेटिव का विषय है, इससे हमें पता चलेगा। अभी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं। ये माउंट ब्लैंक जहाँ पर सुशांत सिंह रहा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत एस्पायरिंग एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री के, ये आप देख सकते हैं कुछ सामान बरामद हुए हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत के घर से कुछ सामान बरामद हुए हैं, आप ये देख सकते हैं पुलिसकर्मी लेकर जा रहे हैं। कुछ कपड़े हैं और भी कुछ अलग अलग सामान है इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आती है। तो ये सारे एविडेंस लेकर जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं।
जो सामान बरामद हुआ है पुलिस की टीम लेकर जा रही है, आप ये देख सकते हैं। अभी पुलिस वाले बता नहीं रहे क्या है। सर क्या एविडेंस मिला है, क्या 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 रीजन है सर? सर वो क्या था? तो आपको बता दूं दोस्तों, पुलिस के हाथ में जो आपने जो सामान देखा था वो कुछ ना कुछ एविडेंस है जो सुशांत सिंह राजपूत के पास बरामद हुई है, वो ले जाते हुए पुलिसकर्मी। तो काफ़ी पेचीदा मामला नज़र आ रहा है। ये मात्र 34 वर्ष के थे सुशांत सिंह राजपूत, बहुत अच्छी खासी उनकी करियर चल रही थी और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। काफ़ी लोगों को चौंका रही है ये डिसीजन जो उन्होंने लिया है। जितने भी युवा हैं ये शौक में है, ये जब न्यूज़ उन्होंने सुनी है शौक में है।